हेलो गाइस, तो एक मूवी हिंदी में आई है जिसका नाम है AI राइजिंग। तो मैंने इसे देखकर अभी कंप्लीट किया है एंड मैं इसी का रिव्यू करने वाला हूँ कि आपको ये मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए एंड इसकी हिंदी डबिंग कैसी है। ये सब जानने के लिए आपको सबसे पहले मेरे इस वीडियो को देखना होगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बिना किसी स्पॉइलर के इसके स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, इसमें एक आदमी एंड एक AI रोबोट जो एक लड़की होती है वह एक मिशन में स्पेस में निकलती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड जो आदमी है एंड AI जो रोबोट है, इन दोनों के बीच रिलेशन बिल्ड होता है। आप समझते हैं, मतलब एडल्ट लेवल का रिलेशन बिल्ड होता है। एंड जैसा कि आपको पता है कि रोबोट AI है, मतलब उसे कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो जो आदमी वहां पर है वह तय करता है कि वह उसे आजाद करेगा, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन जो उसे बोलता है वह रोबोट वही करती है। तो वह सोचता है कि मैं उसे आजाद करूंगा, मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसे रहता है जिसे वो रोबोट अपने मन की कर सकी जो उसे करना है, ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसे जो बोलता है वह करना है। मतलब वह एक तरह से उसे आजाद करना चाहता है एंड उसके लिए वह कोशिश करता है। तो वह सच में उसे आजाद कर पाता है या नहीं कर पाता है, यह सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ता है एंड उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ये सब भी जानने के लिए आपको ये मूवी को चेकआउट करना पड़ता है। मूवी को एक शब्द में रिव्यू करूँ तो गाइस, एवरेज मूवी है। बहुत जगह ये मूवी बहुत बोर करती है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एवरेज मूवी है। एक्टिंग की बात करें तो जिसने AI रोबोट वाली जो लड़की है उसने अच्छी एक्टिंग की है, आपको उसकी एक्टिंग देखने में अच्छा लगता है। एकदम वह रोबोट जैसा, मतलब रोबोट जैसा इंसानी तरह से व्यवहार करती है, तो आपको उसका मतलब एक्टिंग देखने में अच्छा लगता है। एंड बाकी लोग भी जो एक्टिंग किया वो ठीक ठाक किया, पर उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाता है एंड हम लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें, मतलब मूवी के प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो प्रोडक्शन क्वालिटी ठीक ठाक है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एंड जो टेक्नोलॉजी सब दिखाया गया है वह ठीक ठाक दिखाया गया है, आपको किसी भी तरह की कमी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। एंड इसकी हिंदी डबिंग एवरेज की गई है, नेक्स्ट लेवल का नहीं बोल सकता हूं, ठीक ठाक है, मतलब एवरेज हिंदी डबिंग है। एंड इस मूवी को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट है, जी हाँ, यदि आपके पास कुछ भी अच्छा देखने को नहीं है, मतलब कुछ भी अच्छा देखने को नहीं है, तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं, वरना इस मूवी को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये मूवी खिंची खिंची फील होती है। 1 घंटा 26 मिनट की मूवी है तब भी खिंची खिंची फील होती है, तो आप समझ लीजिए। तो कुछ भी अच्छा देखने को नहीं है तब भी देखिएगा, वरना इस मूवी को स्किप कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि आप इसे फैमिली के साथ देख सकते हैं, तो भूल कभी फैमिली के साथ मत देखिएगा। इसमें बहुत सारे एडल्ट सीन है, आप समझ सकते हैं वह सब मतलब सीन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है वह सब सीन, तो आप समझ सकते हैं। तो इसे फैमिली के साथ मत देखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप इस तरह की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में हमेशा देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।